हेलो जी, राम राम सारा ने। तो मैं अनिल, और आज को व्लॉग मैं खुद की लैंग्वेज में, जिकी की मारवाड़ी है, बिंग अंदर शूट कर ला रही हूँ। अगर समझ आवे तो बेटर है, बट होपफुली समझ आओगे सारा ने, और जिकी ने ना आवे तो सॉरी। कुछ खास कोनी, बस जस्ट आज संडे है और टाइम है अराउंड मॉर्निंग का 9 बजे है। तो अभी जाओ मैं ग्रोसरी लेने फिलहाल, तो सोचो एक व्लॉग शूट करके थाना बताऊं कि अठों कठों में, मतलब ग्रोसरी सामान ले गया वहाँ, जो किराना वगैरह को वो कठों में सामान ले गया वहाँ, के बांगो प्राइस वगैरह है, तो वो थाना दिखाऊंगा आज। तो बढ़िया रही हो वीडियो एंड तक, चलो थाना लेके चला। हाँ जी, तो अभी मैं प्रेजेंट, हाँ फिलहाल एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में एक छोटी सिटी पाई जा रहा है, बिन बोला इप्सविच सिटी। इप्सविच सिटी का छोटा सा इलाका में रहा हमें, बिना बोला रिपली, जो कि अटैगो सबरब है। तो बैठूँ अभी मैं जान लाग रहा, अठा एक है रेड बैंक प्लेन्स, तो बैठा एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है जप जी के नाम हूँ। तो बैठूँ मोस्टली मैं क्या है, जो कि हमारी ग्रोसरी है वे बाय करा, बिकॉज कुछ आटा वगैरह है जो वो बैठूँ मिला है। और जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का जी की लोकल मार्केट है, बटू मिला है को नहीं, वो इंडियन स्टोर ही मिला है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जी की बट्ठा ही मिला था ना, मैं दिखाऊंगा बट्ठा के मिला है। तो बट्ठू मेरा घर हूँ, बट्ठा को डिस्टेंस है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15-17 किलोमीटर है, 15-16 किलोमीटर है, तो 15-1 मिनट लगेगा। तो थाना लेके चला और थाना दिखावांगा, थाना दिखाऊँ मैं बाहर को व्यू अट्ठा की, मतलब रोड्स वगैरह रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन के कुछ है, और अट्ठा को जी हाँ के व्यू है ऑस्ट्रेलिया को। फिलहाल अठे आपने अपोजिट है, जिया कि आपने अभी जिया जून जुलाई में गर्मी हुआ है फुल बट है, तो अठे अपोजिट है टोटली, अठे अभी सर्दियाँ हैं फिलहाल मारे, तो बिया तो समझ को नहीं आने लग रही, अठे को वेदर चलने के लाग रही है, क्योंकि अभी नाइट में तो पूरी ठंड हुआ है अठे, और दिन में अठे पूरी धूप हुआ है, तो वेदर को समझ को नहीं आने लग रही, चलने के लाग रही है। हाँ बट भैया है कि अभी फिलहाल है जो विंटर है, सर्दियाँ हैं, तो अट्ठा का रूल रेगुलेशन मैं बताऊँ जी हाँ कि वही है जी हाँ, तो ज़्यादा कुछ कौन ही है, ट्रैफिक लाइट वगैरह का तो वही है सेम ही, बट अट्ठा ही है अभी हर बंदो रूल फॉलो करे जी हाँ। आपने तो फॉलो करा कौन, रूल तो है बट आपने लोग करे कौन, किन्नू भी गाड़ी निकल गया जे कोई भी, तो अट्ठे नहीं हर एक चीज़ को सिस्टम है, चाहे कोई भी चीज़ ना ले लो थे जी हाँ। अभी मैं जान लाग रही हूँ, तो वो आ रोड है जी हाँ, टू वे है, एक जास का एक आस का, तो इनके ऊपर के है 60 को जोन है, तो मतलब मैं 60 ही चल सकूँ, 60 की स्पीड में ही चल सकूँ। तो अगर मैं 20 ऊपर चले हो तो एक या अठा कैमरा लगे डवांगा, हाइड नहीं है, मतलब पुलिस वाला खड़ा हुआ कभी कटाई कभी कटाई, बा कैमरा पहन ले गए नहीं तो आंगो वो भी सिस्टम को नहीं। अपर लो भी यहाँ अपन ने रोकेगा, हाथ देवेगा, आप रुक गया तो ठीक है चलान काट दियो, और जे ना रुक गया तो चल गया, वो भी सिस्टम को नहीं। आंगो आंगो सिस्टम ही है भी, सारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है ऑनलाइन, अगर थे निकल भी गया 60 के जोन, अगर मैं 65 भी चल गया तो मेरा चलान है वो घरे आ जाएगा, कट के जितो भी होगा वो घरे आ जाएगा। अरबिंग एक एग्जैक्ट डेट दे दी होगी, ई डेट ने तना भरनो ही भरनो है, अगर मैं ना भरूंगा तो वे बाद में पेनल्टी लगन लग जाएगी मेरे पर, पेनल्टी पर पेनल्टी लाग बो करेगी वो मेरा पर, अभी मैं जितना टाइम होल्ड करे रखूँ करे रखो बे एक्स्ट्रा जगह रिपिया एड हो करेगा बिंग अंदर, वो फाइन एड हो करेगा। तो मैं जिया कि तुमने बतायो, मैं इप्स विच में रेवा, इप्स विच सेंट्रल मतलब वो पूरा एक एरिया है, बिंग अंदर एक सबरब है जटा की मेरे वहाँ, तो मतलब रूल है वे सारा फॉलो करे, यहाँ को नहीं भी एक स्पेसिफिक पर्सन खातर रूल बने डाटा, रूल है वे सारा ने फॉलो ही करना पड़ेगा। और जो स्पीड को जोन है वो अलग अलग हुआ है, थोड़ा सा जो मतलब डेवलप एरिया हुआ है बटा 50 को जोन हुआ है, वो थोड़ा सा जी हाँ बाहर निकल जाए बट 60 को जोन हुआ है। और हाईवे वगैरह पर आपने तो चाल बोकरा खुला पर अठा बो को नहीं हुआ, हाईवे पर अठा 100 को जोन हुआ है, 100 ज़्यादा थे 40 कौन सको, तो मतलब थारी की गाड़ी है वह 100 ही चलेगी, वो मतलब है अठा को रूल वगैरह है तो फॉलो करना पड़ा सारा करे भी है, वही बात है भी जिसा देश भी सो भेस, तो वो करना ही पड़ा। तो वो है इंडियन स्टोर जटा कि मैं अभी आ रहा हूँ, अठा सारा कुछ मिला सामान थान दिखाऊँ मैं, एक एक चीज़ भी के चीज़ मिल रहा है के कुछ कोनी, मेरा पीछा पूरा फुल बड़ो है, परली साइड में भी बिना है, मैं तुम दिखाऊँ लेके चलूँ परली साइड। तो वो एंट्रेंस है अट्ठा है फ्रूट वगैरह, तो जियाँ कि एप्पल पड़े है,
आलू आलू भी कई प्रकार का, प्याज वगैरह, प्याज आपने तो एक अद्ध प्रकार को मिले लगभग अठ है, वाइट रेड वाइट वो बिल्कुल वाइट है। और आगे प्राइस है जी हाँ, प्याज है 3.49 मतलब 4-3 डॉलर का किलो, अलग अलग है जी हाँ। वो प्याज है वो $3 वो किलो है, $2.90 आपने तो मतलब फिलहाल पैसा ख़त्म हो गया जिका आपने चलता है, अठा सेंट चल रहा है अभी भी अठा। और सारों की नींबू वगैरह, ये शिमला मिर्च वगैरह, ककुम्बर आपने के देखा मिला को नहीं, क्या को नहीं मिला है देख लो। लहसुन भी बढ़िया है आगो रेट, लहसुन है जिको मतलब एक एक ओ है $4 को। और इन्ना ये ड्रिंक्स वगैरह पड़ी है अठा, और इन्ना ये प्याज, अलग अलग वैरायटी हैं जी। वो आलू है वो साफ कौन करो मतलब डायरेक्ट वो निकाले लो जमीन, वो 8 रुपया किलो है। और प्याज ए 3 रुपया किलो, सारो कुछ मिला है, और लेना है गोभी पड़ी, और ए पड़ा है अठा चावल, चावल मतलब यहाँ पैकिंग में आया है जी आपने तेरे खुला कौन मिला, 2 किलो 4 किलो भी हिसाब मिला है। हाँ ले ली मैं एक ट्रॉली, तो सामान वगैरह काफ़ी लेके जाऊँगा अठों, तो आज लेके जावांगा क्योंकि रोज़ रोज़ टाइम मिल रहा है को नहीं, तो फिर अठों लेके चल जावांगा। तो मैं थाना दिखाऊँ चावल को रेट, आ कितने किलो की पैकिंग है, हाँ मे भी 3 किलो की पैकिंग है, और इनको प्राइस है $16 की 3 किलो की पैकिंग है। और अठे है स्वीट्स वगैरह तू तो आगो प्राइस है $30 किलो कोई भी मतलब लेके जावा। और इन्हें आटा वगैरह पड़े हुआ, काफ़ी वैरायटीज आटे की जिया कि ग्रेवाल आटो, अलग अलग है, गोल्डन ग्रेन है, आशीर्वाद गुण है, बट मैं लेके जाए करा एक आशीर्वाद को आटो है, मैं वो लेके जाए करा, तो आशीर्वाद। आप 5 किलो की पैकिंग हो गई नहीं, 10 किलो की पैकिंग है, नहीं तो बेटा 10 किलो, तो मैं लेके जाए करा वो आटो आशीर्वाद जिक्की 10 किलो की मतलब पैकिंग आवा है। और इनको प्राइस है $24.99 मतलब $25 दस किलो आटो मिला है। और अठा घी वगैरह अलग अलग घी है जी, वो घी 5 लीटर की पड़ी है, अलग अलग घी है। मैं आ लेके गई भी जिकी आ है सिंह घी, तो वो मैंने पड़े हो $70 को 5 लीटर घी, सारो घी है, अमूल वगैरह इंडिया में यूज़ करा वो भी अठा मिला है। छोटी पैकिंग लेनी है तो लीटर लीटर की पैकिंग सब कुछ मिला है, इससे कुछ कोई नहीं मिला कोई ब्रेड वगैरह सेक्शन आ गया, कुछ ब्रेड वगैरह लेनी है तो जो पापा ऑयल यूज़ करा ऑयल वो अठा ऑयल पड़े हुआ है, मतलब सब कुछ मिला ऑलमोस्ट। और दूध वगैरह पैक, दूध की भी पैकिंग आ गई, मतलब वो 3-3 लीटर की पैकिंग है, और इनको प्राइस है वो 5 लीटर है, मतलब 3 लीटर दूध $5 को आ गया है। और ये अठा पड़ी है सारी जिकी आप यूज वगैरह करे करा, रूह अफजा वगैरह जितनी भी आप मतलब शरबती वगैरह बोलते हैं सारी अठा पड़ी है। और अठा जितना भी पिकल्स है, अचार किंग भी ले लियो, ग्रीन चिल्ली को है, मिक्स्ड पिकल है, सारो अचार मिला है, सारो कुछ मिला है, मसाला वगैरह सारो की है टोटल। तो इं नहीं मतलब बड़ी बड़ी रैक्स हो है, और इन अंदर सारो टोटल सामान पड़े हुए हैं, वो बंदर मारो। और के कुछ कौन मिला है, बेसन भी पड़े हुए, बेसन है अभी इं तो कौन नहीं पता, तो 1 किलो की पैकिंग है $4 की, सब कुछ मिला है, के कौन मिला है। सूजी जिके आप हलवा बनावा बाह तक अठा मिलन आ रही है, हेयर्स मसाला जो भी मसाला चाहिए, चना वगैरह भी अठा मिला, और बादाम को रेट है 1 किलो $18 को, सब कुछ मिला है। और चाय पत्ती वगैरह शक्करपारा तक मिला, शक्करपारा पड़े, और चाय वगैरह अलग अलग वैरायटी है, यहाँ कोनी भी एक आधी वैरायटी, रेड लेवल पड़ी है, वागा, अलग अलग 4-5 वैरायटी है, ओपन जी आप कुछ सोसाइटी के ना अलग अलग है। और चाय को लगभग प्राइस है जी हाँ, अभी मैं लिया रेड लेवल तो 1 किलो की पैकिंग होगी $13 की, 1 किलो है तो $13 की अलग मतलब आवेगी किलो। तो ओ अठा सेक्शन इन्हें कुछ मसाला वगैरह पड़े है, ये बिस्किट वगैरह अलग अलग वैरायटीज़ है, ये बिस्किट पड़े अठा है। और तो और आपन जो मतलब घरे आप बिस्किट बनावा बेबी अठा है, रस वगैरह पड़े एरिया
और एरिया बिस्किट जो आप घरे यूज करा नहीं अपना घरे आप बोलना भी बिस्किट कटा के लिए बे बिस्किट अलग अलग वरायटी है कौन खा दी जी हाँ आ वरायटी है और आ अलग है वो अलग है अलग अलग वरायटीज़ है एक आधी मतलब कुकीज को नहीं बहुत बिस्किट्स है बहुत टाइप में अलग अलग टाइप का बिस्किट्स है पूरी एक मतलब पूरी रो है तो जी हाँ वो है तो मैं एक किलो है तो वो है $12 को और जो एक कुकीज़ है तो ये मतलब 300-300 ग्राम का है तो इनमें अभी मतलब मैं दो लेवांगा तो एक फ्री है वो बाय टू गेट वन फ्री तीन दिया तो आप चीज़ है बड़ी तो हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग आज की फिनिश हो गई है और मैं सामान काफ़ी ले लियो है कि मैं कुछ परांठा वगैरह ले लिया कुछ नमकीन वगैरह चावल कुछ बनी बनाई जी की सब्जी वगैरह वह बिस्किट वगैरह चाय पत्ती मतलब काफ़ी सारा सामान ले लियो और चाला काउंटर की तरफ थाने दिखावा कि टोटल बिल कितो बने तो चलो काउंटर पर तो टोटल बिल बन गयो 184 सेंट और कुछ मतलब 184 $185 टोटल बन गया।